हेलो दगड़ियों, नमस्कार, प्रणाम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भाविका पाठक व्लॉग्स में। तो कैसे हो दगड़ियों आप सब लोग? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ और बहुत दिनों बाद आपको व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि रीज़न आप जानते ही हैं, क्योंकि आजकल पहाड़ों में काम हो रहा है और रोज़ रोज़ खेत का काम दिखाना ही मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना। और आप लोग जानते ही हैं, घर में मैं और सिर्फ मम्मी हैं, तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो आज का ब्लॉग जब मैंने शुरू किया ही है तो मतलब कुछ खास होगा, कुछ अलग होगा, कुछ डिफरेंट होगा। तीनों एक ही वर्ड थे, तीनों के पर्यायवाची कर दिए मैंने। तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आज मेरा भाई है ना घर आने वाला है, उसके कॉलेज की छुट्टियाँ हो रही हैं और दिवाली का मौसम है मतलब दिवाली आने वाली है, तो सभी लोग अपने अपने घर आएंगे। तो मेरा भैया भी आ रहा है और आप लोग भी आ रहे हो कि नहीं, जो जो शहर में रहते हैं अपने गाँव, तो अपने मतलब त्योहारों में तो आना ही चाहिए यार। मतलब त्योहारों में और घर आने की खुशी कुछ अलग ही होती है, क्योंकि मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी पहले बाहर ही रहती थी। अब मतलब उसका बिस्तर बाहर डालना है, धूप में डालना है, क्योंकि अब सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो रजाई निकालनी होगी। तो वही सब काम करते हैं और फिर दिखाते हैं आज के ब्लॉग में क्या क्या होता है। तो ये है मेरे भाई का कमरा। वैसे उतना ख़राब भी नहीं लग रहा है, बट थोड़ा सा ये सब ठीक करना है, बिस्तर वगैरह ठीक करना है, और तो सब ठीक ही है। थोड़ा सा मतलब इसको क्या कहते हैं, डेकोरेट भी नहीं, मतलब थोड़ा सा चीज़ों को सही से रखना है। बाप रे, गली गली बड़ा चली जी, और बाहुबली, अरे अरे अटक जा रही है, इसकी रजाई ला गई हूँ बाहर। बाकी के भी चादर और तकिया वगैरह डाल दिए मैंने धूप में, अब इसको भी डालते हैं धूप में, यहाँ डालेंगे टंकी के ऊपर। हाँ, ऐसे बंद कमरे में ना बदबू आने लगती है कपड़ों से सिलाब की, तो उसी चीज़ के लिए मैं डाल रही हूँ। फिर उसको एलर्जी हो जाती है, फिर छींची करने लगता है। ये डाल दी रजाई, वो डाल दी चादर, और यहाँ तकिया वगैरह डाली है। तो मम्मी आ चुकी है खेत से, मम्मी के लिए यहाँ पे बन रही है चाय मस्त, और चाय उबल चुकी है, अब हम इसको कर देंगे बंद। आज तो बेटा आ रहा है, आज तो खुशी अलग ही है, चेहरे पे चमक अलग ही है, मंद मंद मुस्कान है, मन में लड्डू फूटे हैं, बाहर दिखावटी चल रहा है। क्यों पी रही है वीर? के भल चुकी हूँ चाय दू वक्त मम्मी, अब तेरे लिए रेडबुल लेके आए। फिर क्या होती है रेडबुल? सच में तेले रेड बुल ही लानी चाहिए। क्या होती है रेड बुल? दिखा ला था, मैंने पता चलो लियो सका। रेड बुल जो होती है वो असली में एनर्जी ड्रिंक होती है, जिससे ताकत आती है। चाय से थोड़ी ना ताकत आती है। पता है कितनी महंगी आती है? 80 या 100 रुपए की इतनी छोटी छोटी बोतल आती है। ठीक है बेबा, 80-100 लगा ही नहीं भेजी। अरे मतलब वो एक ही बार में फिर पीनी, फिर और 80-100 रुपए की लानी हुई। ठीक हुआ। रेड बुल का मतलब क्या होता है पता है? रेड मतलब रेड, इंग्लिश में रेड किसको कहते हैं? लाल लाल खाना है इरुने क्यों? बुल मतलब नहीं आएगा, बुल मतलब क्या होता है पता है? सांड। सांड रेड बुल, रेड माने लाल। सांड सांड क्या होता है? सांड जैसा गुना ना। सांड भी नहीं पता, सांड क्या होता है? मोटा है? नहीं, लंबा चौड़ा। सांड नहीं पता क्या होता है? बैल का। अरे बैल का साथी बन में रहते हैं। सांड को नानू बैल, जो बड़ा बैल होता है उसको सांड कहते हैं। शौरन में तो ना सांड, तो रेड बुल मतलब लाल सांड। उसका नाम रेड बुल इसलिए क्योंकि सांड में बहुत ताकत होती है, एनर्जी। वाह, मुझे भी नहीं पता था नाम को सांड भी पहनने में। ये मुझे भी नहीं पता था कि रेड बुल का नाम रेड बुल क्यों रखा होगा, क्योंकि सांड में बहुत एनर्जी होती है, जिसको पी के हमें एनर्जी आ जाती है। और लाल रेड बुल मतलब क्योंकि जो सांड होता है वो लाल को देख के ऐसे बितक जाते हैं। यो कहे पुणे में कस लाग मरी सांड लाल रेड बुल कस रेड बुल नहीं रेड बुल रेड बुल रेड बुल। तो अब रूम तो ये ठीक हो गया है, अब हमें जाना है गजो लेने के लिए।
वीडियो। अभी खेत से आई हूँ घर और आके थोड़ा सा बैठी हूँ अंदर, लाइट जला रखी है क्योंकि मुंह पे पूरा अंधेरा आ रहा था। और अभी मैंने भाई को कॉल किया और उसने बोला कि बस वो पहुँचने वाला है, मतलब 5-10 मिनट में पहुँच जाएगा। तो फिर जैसे ही वो आता है तो आपको मिलवाते हैं उससे और हम भी मिलते हैं। ये आ गई बस। प्रणाम कौन बोलेगा? कैसे बोलूं मैं प्रणाम? पहले सामान तो रखूंगी भाई, लेके आए इतना सारा मैं कैसे लाऊंगी भाई। बड़ी घर आती मुझ पे ऑर्डर चलने चालू हो गए हैं और यहाँ पे चाय उबल रही है। बोल रहा है चाय क्यों नहीं बनाई बोल मेरे लिए, तो यहाँ पे चाय बन रही है। अब ये ले लाल साहब, गुड़ कहाँ है? मैं गुड़ लेके आया हूँ। मिश्री खा भी? मैं नहीं खा। लेके आ फिर जा गुड़। बागेश्वर से भी मैं ही लेके आया, यहाँ भी मैं ही लेके आऊँ, ला देना ऊपर से। हला मैं क्या हूँ, यहाँ की चौकीदार हूँ क्या घर की? अभी थोड़ा करना चाहिए यार, थका हारा आ रखा हूँ मैं। बेशर्मों की भी हद होती है। कितना पिएगा फिर एक बाल्टी? इतना कौन पीता है, थोड़ा कम से ले। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहूंगी अपने खिलाफ। आइए आइए। मैं तो कह देना बुला मुझे। वैसे कितना गंदा लगता है ना, कहीं से आओ स्कूल, मतलब ही नहीं होता। हाँ, स्कूल से ही भी आओ तो कितना। ये जो सुना कोई मिलेगा नहीं मिलेगा घर में, पिछली बार से तुम कोई नहीं थे, सामान मंगाया मंगाया उतार लेना बोल, फिर हम तो चले गए महिला संघ। इज्जत ही नहीं है। तो और देर में आती वो 6:30-7 बजे आती। वजह मेरी गाड़ी और ना सुनी ना गई, मैं ना सुन गाड़ी और ना अब सुन लीजिए। वजह मेरा जा 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 मेरे भी इनका पता नहीं ला, मेरे 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 से ना ना हेलो ना हाय खुटी पड़ा, तो खैर बहुत दूर की बात हुई। कैमरा पकड़ के खड़ी हो रही थी यार, वीडियो बना रही है। हैं क्यों ना है रो दीजिए क्यों वो जो हाँ हरी सचा आ गए। काम काम करके भेंट घाट भी नहीं हो रही अच्छे से। बुद्धि दीन आ रहा ना। किया तो सही हो। खाने की तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने काटा है आलू और ये टमाटर और ये है हरा धनिया, इसको बाद में जब सब्जी बन जाएगी। और सब्जी बन रही है आलू टमाटर की रस वाली सब्जी, क्योंकि मनीष के ना गले में भी दर्द हुआ है, जुखाम मुखाम लगवा के लाया है, तो इसीलिए रस वाली सब्जी हम बना रहे हैं। तो दगड़ियो आज है नेक्स्ट डे, कल तो उसी समय के बाद मैंने व्लॉग फिर शूट ही नहीं किया, फिर खाना वाना बनाया और इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसकी वजह से फिर कुछ शूट ही नहीं कर पाए। अभी भी भाग रहा है, व्लॉग में नहीं आ रहा है, व्लॉग को एंड करना है। कुछ कहना चाहेंगे मेरे दर्शकों से आप? लाइक शेयर सब्सक्राइब क्या दर्शकों से आज अच्छी दगड़ियो। देखो मैं भाई आया करके इतनी खुश हो रही हूँ, और इसको देखो कोई मतलब ही नहीं है। अभी आप ठीक ठीक फील कर रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक है अभी? हाँ कुछ कुछ ठीक है। आ तो यार सफर में तो कुछ रख लेना मफलर वगैरह, मैं तो ऐसे ही आ गया था। भाई ने दी आपको सलाह। सच में दगड़ियो गाँव कुछ ज्यादा ठंडी है, मेरे को लगा था पिछले साल तक नहीं होता था इतना ठंडा, इस बार भी कम ही होगा तो। पर नहीं, इस बार बारिश हुई है तो इसकी वजह से ठंड बढ़ गई है, हवा ठंडी चल रही है। और ये बस में सैंडल पहन के आया और इसने टोपी मफलर कुछ नहीं पहना था, जिसकी वजह से इसको हवा लग गई और इसकी तबीयत खराब हो गई। तो आप लोग भी अगर गाँव आते हो तो यही कहना चाहेगा ये मेरे दर्शकों से कि हाँ, आप लोग हाँ जब गांव आते हो पहाड़ आते हो तो अच्छे से पैक होके आओ, मतलब गर्म कपड़े पहन के आओ। बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना यहाँ के मौसम को, क्योंकि मौसम यहाँ ठंडा ही रहता है। तो इसी के साथ साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और आगे को अब मस्त मस्त ब्लॉग बनते रहेंगे क्योंकि अब ये घर आ गया है और एक दो लोग और घर आने वाले हैं और बहुत मज़ा आने वाला है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को तो ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।